हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि पीके बाइक्स जो कि अरसलान अहमद भाई यूट्यूब चैनल चला रहे थे, उनका चैनल अननोन रीजंस की वजह से टर्मिनेट हो गया। आप बेशक यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और FB पर, यूट्यूब पर इस बारे में वीडियोस भी देख सकते हैं, और अभी तक ऑथेंटिक रीजंस नहीं पता चली और ना ही अभी तक कोई ऑथेंटिक रीजंस अरसलान भाई की तरफ से आई हैं कि इन रीजंस की वजह से उनका चैनल सस्पेंड हुआ है। और एक्चुअली ओवरऑल हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कार्स और बाइक्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं, हम सबको इस चीज़ का दुख है कि उनका चैनल क्यों सस्पेंड हुआ है। और एक्चुअली अरसलान भाई उन लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले यूट्यूब चैनल जो है ना वो स्टार्ट किया था, और वेरीफाइड भी चैनल था उनका, लेकिन फिर भी यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से या जो भी रीजंस दरपेश आई हैं उनकी वजह से उनका जो चैनल है वो टर्मिनेट हो गया। और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि अब क्लेम करने से अल्लाह करे उनका जो चैनल है वो रिकवर हो जाए, तो वो जो काम कर रहे थे, इंफॉर्मेशन पहुँचा रहे थे लोगों तक, वो अपना काम जारी रख सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो दोबारा न्यू चैनल बनाएं, हम सब यूट्यूबर्स उनको प्रमोट करेंगे अपने फेसबुक पे, पेजेस पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, हम उनको प्रमोट करेंगे, हम उनका साथ देंगे। और सब लोग ये जानते हैं कि हम यूट्यूबर्स यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर लगाने की रीज़न क्या है कि हम यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम है। तो मैं आप सबसे यही अपील करता हूँ कि आप दुआ करें, अल्लाह करे उनका चैनल जो है वो रिकवर हो जाए, ताकि वो उनका वो मैरिड हैं और उनका जो है सोर्स ऑफ इनकम था, तो वो उसको उसकी वजह से उनको कोई टेंशन दरपेश ना आए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अरसलान भाई का कोई ऐसा जो है रद्दे अमल नहीं, इसके ऊपर उन्होंने कोई जाहिर किया, जैसे उनकी कोई उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आती है या कोई भी उनका न्यू चैनल आता है तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह कल या फर्दर डेज में होंडा स्विक एक्स और होंडा स्विक एक्स फेसलिफ्ट के डिफरेंस जो है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर लगाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।